अक्षय डागा ने लिखा है कि सर जब ये भाव आता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब हो रहा है और हम सिर्फ दृष्टा हैं, ये भाव किसको आता है, यहाँ हम कौन है? अक्षय, ये हम हमारा ही होना है। ये जो हमारा मनोशारीरिक ढांचा है उसको ही ये सब पता चलता है, और गहरे तल पर जाएंगे तो ये हमारा मन ही है जो ये जानता है कि सब हो रहा है। मन ही इस सारे तल को समझता है, उलझाता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं, ये उलझन और उलझाव हमेशा इस मन की ही है, मन का उपकरण। तो ऐसा नहीं कि हम समाप्त हो जाते हैं, हम रहते हैं, और जो मन का एसेंशियल होना रहता है उसी को हम कहते हैं कि एसेंशियल ईगो, या जो हमारा फंक्शनल ईगो है वो उसको ही पता चलता है, क्योंकि वो है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। जब तक ये जीवन है वो एक निश्चित किस्म का अलगाव, निश्चित किस्म की सेपरेटनेस, वो फंक्शनल ईगो, वो फंक्शनल माइंड हम विद्यमान रहता है, उसको ही ये सब पता चलता है। वो एक उलझाव से निकलकर एक ठहराव में चला गया है, ठहराव में आ गया है। तो जो हमारा मन ठहराव में आ गया है वही हम हैं, उसे ही सब प्रतीत होता है। इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेज हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। ये वही ठहरा हुआ मन, स्टिल माइंड, उसी को पता चलता है। Thank you.